लीडी गैंगस्टर जो बाहुबली को कर दे बौना। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड और डेंजर औरत है ये। कोल प्रिंसिपल बनी योगी की माफिया लिस्ट में नंबर वन। आपने अब तक अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे जैसे बाहुबलियों का नाम सुना होगा जिन्होंने पुलिस की नींद हराम करके रखी थी। लेकिन क्या आपने एक ऐसी लेडी बाहुबली का नाम सुना है जो यूपी पुलिस की नाक में दम करके रखती है? ये वो लेडी डॉन है जिसने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए हैं। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है ये वही मोस्ट वांटेड लेडी डॉन की है। इसका नाम दीप्ति बहल है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बंदूक की नोक पर सबको डराने वाली दीप्ति एक समय में बागपत कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी है। वहीं दीप्ति के पति संजय भाटी बसपा विधायक रह चुके हैं जो साल 2019 के बाइक घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। लेकिन क्या वजह थी कि घोटालेबाज मंत्री की बीवी दीप्ति को बाहुबली बनना पड़ा? बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर आज यूपी की लेडी बाहुबली लिस्ट में नंबर वन है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने पहले 50,000 फिर 5,00,000 तक का इनाम की राशि बढ़ा दी है। आखिर क्या है इस लेडी डॉन का गुनाह? आखिर क्यों हो गई है ये इतनी खतरनाक कि यूपी पुलिस इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी करने के लिए मजबूर है? दरअसल साल 2019 में हुए बाइक बोर्ड घोटाले में दीप्ति का पति संजय भाटी GIPL का संस्थापक और बाइक बोर्ड घोटाले का मास्टरमाइंड था। लेकिन पति के साथ दीप्ति ने भी लोगों को 4,500 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया था। बता दें कि नवंबर साल 2018 में कंपनी ने ई बाइक के लिए एक बाइक बोर्ड स्कीम लॉन्च की थी। ई बाइक में मेंबरशिप की कीमत नियमित पेट्रोल बाइक के लिए निवेश राशि से लगभग दोगुनी थी। GIPL ने निवेशकों को 62,000 रुपए प्रति बाइक के निवेश पर 9,765 रुपए मंथली रिटर्न का वादा कर लुभाया था। कंपनी ने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और आगरा मथुरा सहित कई जगहों पर ऑफिस भी खोल रखे थे। इसके साथ ही वो 2,00,000 लोगों को धोखा दे चुके थे, निवेशकों के पैसे लेकर फरार हो चुके थे। जब इन्वेस्टर्स को उनका रिटर्न नहीं मिला तो सभी ने पुलिस में FIR दर्ज कराई। शिकायत करने वालों की संख्या 2,00,000 थी और मामला काफी गंभीर था, लिहाजा पुलिस भी मामले की जांच में जुट जाती है। जांच के बाद संजय भाटी और दीप्ति का नाम सामने आता है। संजय ने तो साल 2019 में सूरजपुर की एक अदालत में सरेंडर कर दिया जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस को दीप्ति की तलाश थी। इधर संजय भाटी के वकील ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान दावा किया कि दीप्ति ने 14 फरवरी साल 2017 को कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में GIPL कंपनी से दीप्ति का कोई लेना देना नहीं है। इधर पुलिस दिन रात दीप्ति की तलाश में लगी हुई थी। EOW ने दीप्ति की गिरफ्तारी के लिए इनाम तक रखा लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद साल 2021 में जांच एजेंसी ने गाजियाबाद वाले घर को अटैच कर लिया था। इससे पहले जांच एजेंसी ने दीप्ति के मेरठ वाले घर की तलाशी ली थी जिससे ये पता चला कि लगभग 10 साल पहले दीप्ति ये शहर छोड़कर चली गई थी। काफी खोजबीन के बाद जब लेडी डॉन नहीं मिली तो पुलिस को शक हुआ कि दीप्ति विदेश भाग गई होगी। इसके बाद इनाम की राशि बढ़ा दी गई थी। बता दें कि दीप्ति यूपी की ऐसी महिला अपराधी है जिस पर इतना बड़ा इनाम रखा गया है। हालांकि दीप्ति की सादगी को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये महिला यूपी की लेडी बाहुबली में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।